मैं आप सभी प्रिय दर्शकों का, सब्सक्राइबर्स का, जिनका आज जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरी स्पेशल डे है, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं भी देता हूं दैनिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में। मैं 16 मई गुरुवार का राशिफल दे रहा हूं और बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि आज गुरु प्रदोष व्रत है। अगर हमें शत्रुओं की बुद्धि का विनाश करना जो शत्रुता रखती है, हमारे विशेष काम में सफलता हम चाहते हैं, तो आज के दिन अपने गुरु का स्मरण करें, गुरु का ध्यान करें, व्रत करना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए और जो बाकी दो समय आपने भोजन नहीं किया है उस भोजन को आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति को खिलाना चाहिए। आज चंद्रमा की बात करें तो चित्र नक्षत्र रहेंगे कन्या राशि में दोपहर को 4:56 तक और फिर तुला राशि में चित्र नक्षत्र में रहेंगे। वैशाख शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि सुबह 8:15 तक रहेगी और फिर त्रयोदशी तिथि रहेगी। आज के दिन ग्रहों से बनने वाले विशेष राजयोग जैसे लक्ष्मी नारायण योग और उभयचरी योग बनेगा। वहीं शाम को 4:56 तक केमद्रुम दोष रहेगा। आज के दिन अगर आप शुभ कार्य, मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, कोई यात्रा या खरीदारी करना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट आपको फैसला लेना है, तो ये काम आप दोपहर को 12 बजे से 1:15 या शाम को 6 से 7 के बीच कर सकते हैं। कोशिश करें कि दोपहर को 1:30 से 3 बजे के बीच में राहुकाल जब रहता है तो ये काम नहीं करें। मैं 17 तारीख को राजकोट में रहूंगा और 18 तारीख को हाफ डे मैं राजकोट और हाफ डे मुंबई पे भी रहूंगा और 19 तारीख को अहमदाबाद में रहूंगा। मेरा शॉर्ट ट्रिप इसलिए मैंने किया क्योंकि स्पेशल काम है कुछ 20 तारीख को। 24 तारीख को और 25 तारीख को मैं काठमांडू में रहूंगा। 26 तारीख को गुड़गांव जिसे गुरुग्राम के नाम से जानते हैं और उसके बाद अगर आप भारत से बाहर रहते हैं तो 1 से 13 तारीख तक मैं USA में और 14 से 20 तारीख तक इंग्लैंड में रहूंगा। अगर आप इन शहरों और देशों में रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सफलता का मेरा गुरु मंत्र अब दे रहा हूं, हो सके तो आज के दिन इसे अपनाइएगा जरूर। हम किसी भी काम को करते हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी या मिलने जा रही है, इसके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं? सबसे पहले जब आप किसी बगीचे के तरफ जा रहे हैं, अभी आप पहुंचे नहीं हैं, पहुंचने से पहले ही आपको रास्ते में ही हल्की हल्की खुशबू आने लगती है। भीनी भीनी हवा और वातावरण में हल्की सी ठंडक और आपको ऐसा फील होने लगता है कि हाँ मैं एक अच्छी जगह जा रहा हूं। अभी आप पहुंचे नहीं है, तो यही सफलता जब हमें मिलने वाली होती है तो ये संकेत हमें खुशी के देने लग जाती है। और मैं इस बात पर पूरा विश्वास रखता हूं कि जो इंसान अपने काम में सफल होना चाहता है वो ऑटोमेटिक उसके अंदर एक इंट्यूटिव पावर डेवलप हो जाती है जो पूर्व में ही उसे पता लग जाता है। और वहीं अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ खराब होने वाला है तो पहले ही आपके अंदर इंट्यूशन ऐसा आने लग जाएगा जो नेगेटिव थिंकिंग व्याप्त करेगा, इसलिए आपको पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। ग्रहों की स्थिति बात करें तो शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग तो बना हुआ ही है, सूर्य वृषभ राशि में है, राहु उच्च राशि के लेकिन मंगल के साथ अंगारक दोष, चंद्रमा आज जा रहे हैं बहुत ही सुंदर तुला राशि में और साथ में देवताओं के गुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि में ऑलरेडी है, शनि केतु का श्रापित दोष है। इसी से मैंने आपका राशिफल तैयार किया जिसे आप चंद्र राशि और लग्न दोनों पर आधारित है वैसे ही इसे देखें। शुरुआत मेष राशि से, आज आपको अपने व्यापार की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर आप व्यापार नहीं करते हैं तो जिस चीज़ से आपकी आमदनी होती है आज सुबह बिस्तर पर ही उस चीज़ का ध्यान करना है और उसी के बारे में मंथन करते रहना, चाहे नहा रहे हैं पर सोचना उसी के बारे में, वही काम आज आपको हो जाएगा। बिजनेस के जरूरी कागजात पर ध्यान दें, आज आपको दोस्तों और भाइयों से सहयोग मिलेगा। फाइनेंशियल मैटर में आपको देख रेख करनी चाहिए, सौदेबाजी में अच्छी सफलता मिलेगी और वहीं वर्क प्लेस पर आज आपका पराक्रम और आपकी तूती बोलेगी, आपकी चर्चा लोग करेंगे। एम्प्लॉयज के लिए और एम्प्लॉयज के साथ में काम करने वाले लोगों की आज बॉन्डिंग मजबूत रहेगी, दोनों मिलकर या सब मिलकर साथ में काम करेंगे, लेकिन समय पूर्ण करने में आप समय को वेस्ट करने में काम मत ध्यान मत दीजिएगा, समय को यूटिलाइज करेगा। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में किसी अनबन का समाधान आज निकलेगा। स्टूडेंट को सफलता प्राप्ति के लिए अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना चाहिए और हर हाल में उसे पूरा करें। एलर्जी की समस्या जिनको है उसके लिए आज ठीक नहीं है दिन। लकी कलर मैरून, नंबर 4 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। वृषभ राशि वाले लोगों को आज अपनी बीमारी की तरफ ध्यान देना चाहिए। कई बार हम नजरअंदाज कर लेते हैं कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, और आप ठीक भी नहीं हो पाते हैं, आपको कुछ नहीं हुआ, ये गलतफहमी भी आपकी दूर हो जाती है जब आपको कुछ प्रॉब्लम आती है। इसलिए शुरुआत में अगर किसी प्रॉब्लम को हल कर लिया जाए, कैंसर में भी आपने सुना होगा फर्स्ट स्टेज है ठीक हो जाता है, फोर्थ स्टेज ठीक ही नहीं होता है, इसलिए पहली स्टेज की बीमारी में उसे खत्म करें। बिजनेस में आज किसी पुराने टेंडर, किसी ऑर्डर की आपको ध्यान रखना चाहिए,
कि आप उसे पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वरना आपको भी तकलीफ आएगी और हो सकता है आज कोई चेक बाउंस हो जाए, पैसों की कुछ किल्लत या दिक्कत आ जाए। वर्क प्लेस पर दोस्तों और सबॉर्डिनेट का सहयोग मिल पाने से आप बहुत खुश होंगे और आपको भी उनको सुखी करना है, आपको भी उनका ध्यान रखना है, वरना आप दुखी हो जाएंगे। एम्प्लॉयज के द्वारा सोचे गए काफी काम पूरे नहीं हो पाएंगे, बीच में छोड़कर आप किसी और काम में लग जाएंगे। जीवन साथी और रिलेटिव लव लाइफ में समय निकालिए, दूरी मत रखिए, प्यार मोहब्बत से चलने की कोशिश कीजिए, रोमांटिक पल बीतेंगे। स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जितने भी आज खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी और प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहेगी। वहीं पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट के लिए भी आज प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहेगी। खान पान पहले से बेटर करें, लकी कलर ब्लू, नंबर 3 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। मिथुन राशि वाले लोगों को आज अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए, बच्चे सही काम कर रहे हैं, बच्चे हमारे लायक हिसाब से चल रहे हैं, बच्चे अपने हिसाब से चल के कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। ये विचार आपके लिए करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मई मंथ का राशिफल जो मैं अलग से देता हूं उसमें कहा था कि चंद्रमा आज आपके चौथे रहेंगे 16 तारीख को, इसलिए हो सकता है कि आपके खुद की वजह से या हमारे आसपास किसी और की वजह से हमें कोई तकलीफ आ जाए। और अगर ऐसा होता है तो आप अपना और अपनों का ख्याल रिलैक्स कूल माइंड में डिसीजन लेकर फिर कीजिए। व्यापार में आज आपके सुख सुविधाएं बढ़ना, लग्जरी और लैविश चीजों पर खर्च हो सकता है। वर्क प्लेस पर आज आप स्वयं को आत्मविश्वास से लबरेज महसूस करेंगे। एम्प्लॉयज आज अपने उच्च अधिकारियों को स्वयं के कार्यों से संतुष्ट और सेटिस्फाइड जिसको कहते हैं वो करवाने में काफी हद तक सफल हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ रिलेशनशिप में आज रिश्तों को बनाए रखने के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़े तो जरूर करिए। एनर्जी खर्च करनी पड़े या पैसा खर्च करिए। स्टूडेंट को अध्ययन में किसी खास विषय के कारण कुछ झुंझलाहट महसूस हो सकती है। सेहत पहले से बेटर है, लकी कलर येलो, नंबर 2 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। कर्क राशि वाले लोगों को आज अपना पूरा ध्यान अपनी गाड़ी की तरफ देना चाहिए। गाड़ी ठीक रखिए, गाड़ी लेनी है उस पर ध्यान दीजिए, गाड़ी के कागजात, गाड़ी से संबंधित कोई भी काम पूरा करिए। बिजनेस में आज आपको किसी काम के लिए नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए जिससे आपका धन और मान सम्मान बढ़ जाए। किसी इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन में आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। आपके अंदर बहुत अच्छी काबिलियत है जिसका आप हुनर जो आपको दिखाने का आज मौका मिलेगा। आज आप एक दूसरे की बात को सुन के समझ के बड़े अच्छे नतीजे तक पहुंच सकते हैं। वहीं एम्प्लॉयज कोई नया काम अगर प्रारंभ करना चाहते हैं, इसका मन बनाए हैं तो उसे पूरा कर लीजिए। बेहतर इसमें रहेगा कि पूरी योजना बना लें। आपके लिए शानदार दिन रहेगा। मैरिटल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप में धीरज, धैर्य और संयम, मधुर वाणी, थोड़ा सा गिफ्ट, यह सब कुछ किया नहीं और मस्त आनंद आपको दिन भर में आएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए आज का दिन सफलता भरा है। आज आपको लाइब्रेरी, कुछ अच्छी किताबें पढ़ने का मौका मिलेगा। वाहन चलाते समय बहुत सावधान रखनी है, अन्यथा चोट इंतजार कर रही है। लकी कलर पर्पल, नंबर 9 शुभ है, माफ करेगा, और भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। सिंह राशि वाले लोगों को आज अपनी उम्र से अपने छोटे भाई और बहन, स्पेशली भाई पर ध्यान देना चाहिए। व्यापार में आज के दिन के लिए शुभ समाचार लाने वाला है। और वहीं रोजमर्रा के काम पूरे होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, रुकावट आपकी खुद की आलस्य वजह से आ सकती है। एम्प्लॉयज के द्वारा कार्यस्थल पर किए गए धीरज, धैर्य, संयम और अच्छे डिसीजन की वजह से सबको लाभ मिलेगा। जीवन साथी और रिलेटिव के साथ किसी पार्टी में गए लोगों को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज किसी कॉन्टैक्ट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। स्टूडेंट, अध्ययन में आ रही परेशानियों का हल किसी और से नहीं, खुद ही निपटाना पड़ेगा आज आपको। आज ज्यादा तीखा और चटपटा खाने से बचना चाहिए। लकी कलर गोल्डन, नंबर 5 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। करियर राशि वाले लोगों को आज फैमिली की तरफ ध्यान देना चाहिए। कई बार हमारे फैमिली मेंबर्स में किसी को कोई तकलीफ चलती तो हम नजरअंदाज कर देते हैं, आज उसके अंदर गोते लगाइए, ठीक करिए। बिजनेस में प्रोफेशनल लोगों की मदद लीजिए और बढ़िया कंसल्टेंसी कंपनी से मदद लेकर आज आप अपनी आपको अपडेट और अपग्रेड कर सकते हैं सोशल मीडिया के द्वारा भी। वर्क प्लेस पर सहकर्मियों के कारण किसी प्रोजेक्ट में लेट लतीफी हो सकती है। एम्प्लॉयज चुनावी ड्यूटी और माहौल को लेकर शांत रहें। स्टूडेंट को कोई खास सफलता आज नहीं मिलेगी, बल्कि आज आपको पुरानी पढ़ाई को पूरा करना चाहिए। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेटिव्स में कहीं बाहर जाने की प्लानिंग बन रही है तो मजा आ जाएगा। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखें। सेहत पहले से बेटर है, लकी कलर ब्राउन, नंबर 1 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। तुला राशि वाले लोगों को आज अपने मन और मस्तिष्क पर ध्यान देना चाहिए। कई पिछले कुछ दिनों से आप झुंझलाट में तो नहीं है, आज आपको इरिटेशन तो नहीं आ रहा है, गुस्सा तो नहीं आ रहा है, कोई काम आपके हिसाब से नहीं होगा, आप तकलीफ में फंस जाएंगे, तो आप काम करवाने के साथ साथ करने की भी कोशिश करें। वैसे मैंने आपको मई मंथ का राशिफल जो मैं अलग से देता हूं उसमें कहा था कि आज 16 तारीख को चंद्रमा बाहर में रहेंगे
जो आपकी खुद की या किसी और की वजह से आपको मानसिक तनाव हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो आप अपना और अपनों का ध्यान कूल माइंड से करें। बिजनेस में हो रही मीटिंग में आप जो भी बोलते हैं उसे सोच समझ के बोलें, बढ़िया रिसर्च वर्क करके आगे बढ़ें। आज झूठ बोलना, झूठी तसल्ली देने से बचना चाहिए। वर्क प्लेस पर स्वभाव में तेजी आने से, उग्र स्वभाव होने की वजह से उलझने आ सकती हैं। एम्प्लॉयज के किसी नकारात्मक मामले में फंसने से या कोई और फंसाने की कोशिश कर रहा है उसको मौका नहीं देना है। अपनी सतर्कता आपको बरतनी होगी। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आज आप कोई बड़ा फैसला न लें और ना ही कोई निष्कर्ष पर पहुंचे। स्पोर्ट्स से जुड़े हुए खिलाड़ियों के लिए आज का दिन प्रैक्टिस और अच्छी मेहनत से सफलता पाने का है, और स्टूडेंट के लिए दिन ठीक है। अचानक पीठ में दर्द होना है, लोअर बैक में प्रॉब्लम हो सकती है। लकी कलर ग्रीन, नंबर 3 चुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। वृश्चिक राशि वाले लोगों को आज अपना ज्यादातर ध्यान खर्च को कैसे कंट्रोल करना है, जो आया हुआ खर्च है उसे कैसे कम करें, क्या जरूरी है करना, कैसे टाला जा सकता है, या और ज्यादा खर्च करके बड़ा लाभ कमाया जा सकता है, इस पर विचार करना चाहिए। बिजनेस में आज आपके आधे से ज्यादा सोचे हुए काम पूर्ण हो जाएंगे। आपकी मेहनत रंग लेकर आएगी। डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट, ये सब संभाल लीजिएगा। वर्क प्लेस पर समय पर किए गए कार्यों में आपको काफी हद तक सफलता मिलेगी। एम्प्लॉयज किसी महत्वपूर्ण मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं जिसका फायदा उन्हें आने वाले समय में मिलेगा। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आ रही समस्याएं जल्द ही खत्म हो जाएगी। स्टूडेंट स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो खिलाड़ी है, जो स्टूडेंट भी और स्पोर्ट्स भी ध्यान दे रहे हैं, उन लोगों के लिए आज दोनों ही प्रकार से दिन अच्छा है। हल्का सा नी प्रॉब्लम परेशान करेगी। लकी कलर आपका ब्लू है, नंबर 8 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। धनु राशि वाले लोगों को आज अपनी उम्र से बड़े स्पेशली पुरुष पर ध्यान देना चाहिए, वो भी भाई हो तो सबसे बढ़िया। बिजनेस में आज आपकी कुछ अधूरी उम्मीदें पूरी हो सकती हैं। वर्क प्लेस पर किए गए कार्यों में सफलता से सीनियर्स आप पर ज्यादा ध्यान देंगे और उससे आपको खुशी भी मिलेगी। एम्प्लॉयज आज आप मदद के तौर पर किसी से कुछ गिफ्ट ना तो लें और ना ही देना चाहिए। देने का काम पड़े तो फिर भी कर लेना, लेकिन आपको गिफ्ट के आज आदान प्रदान में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि समस्याओं को खत्म करना चाहिए। जीवन साथी और लव लाइफ रिलेशनशिप में किसी यात्रा का प्लान बन रहा है, वो भी खूबसूरत जगह पे रोमांटिक पल बिताने का आज मौका मिलेगा। स्टूडेंट अध्ययन में फ्रेंड्स की सहायता से किसी कठिन टॉपिक को भी आसान बना लेंगे। आपको गर्मी से बचाव के लिए ठंडी शिकंजी पीना, लस्सी, छाछ, पानी पीने की जरूरत है, क्योंकि लू से प्रॉब्लम आ सकती है। लकी कलर पिंक, नंबर 1 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। मकर राशि वाले लोगों को आज जिस चीज से जेब में पैसा आता है, जिससे इनकम होती है, आजीविका होती है, उसी पर आज बिस्तर से उठने से पहले ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए। आज मेरी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। नई बिजनेस डील भी आज सामने आ सकती है, अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं, लेकिन आपकी लेट लतीफी, आपका आलस्य और आपकी कई बार काम पूरा होने से पहले बोल देने की वजह से, नजर की वजह से फायदा उतना नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए, इसलिए इसको अवॉइड करें। नौकरी करने वाले लोगों को आज कोई नया ऑफर मिल सकता है और पुराना बॉस भी आज बुला सकता है। एम्प्लॉयज चुनावी ड्यूटी के दौरान अपना सामान बटोरने में लग जाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में अब तो 6th-7th चरण का एक ही चुनाव बचा है, 19 तारीख को, उसके बाद 23 तारीख को सरकार बन जाएगी। दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ रिलेशनशिप में पूर्व में किए गए कार्यों का आज फल मिलेगा, और इन्वेस्टमेंट का भी। स्टूडेंट को सफलता पाने के लिए आज स्पेशल काम करना चाहिए। डायबिटिक वाले लोगों को आज बहुत ज़्यादा संभल के चलना चाहिए। लकी कलर ऑरेंज, नंबर 7 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। कुंभ राशि वाले लोगों को आज कोई भी ज्ञान ऐसा प्राप्त करना है जो आपको सकारात्मक सोच पैदा करने में मदद करे, क्योंकि आज कोई मानसिक तनाव आपको दे सकता है। वैसे मई मंथ का मंत्री राशिफल जो मैं अलग से देता हूं, उसमें कहा था कि 16 मई को चंद्रमा आपके 8वें रहेंगे, जो हो सकता है आपकी खुद की वजह से या किसी और की वजह से आपको तनाव में डाल दे, और अगर ऐसा होता है तो आप अपना और अपनों का ख्याल कूल और रिलैक्स माइंड में रहकर करें। व्यापार में पैसों को लेकर किसी के साथ कोई गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए, बल्कि पैसा बचा के रखना चाहिए। वर्क प्लेस पर आज आपको एक्स्ट्रा आमदनी के चांस मिलेंगे, ओवरटाइम के चांस। एम्प्लॉयज के आज के कार्यों में ऊर्जा कम और थकान ज्यादा रहेगी। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप में किसी बात पर बहस मत करिएगा, वरना यह बहस संबंध को तोड़ देने की तरफ जाएगी। स्टूडेंट अध्ययन में आलस्य बिल्कुल ना करें, सुबह जल्दी उठकर पावर नैप लेकर फिर बाद में पढ़ाई करनी हो तो करिए, लेकिन नींद पूरी करके करिए, सेहत पहले से बेटर है। लकी कलर आपका येलो, नंबर 5 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। मीन राशि वाले लोगों को आज ट्रैवल प्लान करना चाहिए, चाहे आज आप ट्रैवल कर रहे हैं या 2 महीने बाद, 1 महीने बाद। अब तो वैसे भी गर्मी की छुट्टियां हैं तो बच्चों की छुट्टियां भी होती है, आप अपने शहर में जाएं, देश में, राज्य में, वर्ल्ड टूर करें, कहीं भी जाएं, आज उसकी प्लानिंग के लिए दिन बहुत अच्छा है। बिजनेस में आज पैसा कमाने में
कोई शॉर्टकट लेंगे तो उलझ सकते हैं। खर्च पर कंट्रोल करें, वर्क प्लेस पर कुछ पुराने मामले में आपको तकलीफें सामने आ सकती हैं। अब जैसे मैंने आपको यात्रा की प्लानिंग बोली और अब मैंने कहा खर्च को कंट्रोल करें, तो इसमें कुछ लोग कमेंट्स कर सकते हैं कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि आप यात्रा, मैंने कहा यात्रा की प्लानिंग करनी है, आज सिर्फ प्लानिंग करनी है और खर्च पर कंट्रोल करें जिससे आपकी परेशानी कम हो सकती है। एम्प्लॉयज कार्यस्थल पर हो रही फालतू की बातों से अपने आप को दूर रखें। मूर्खों की सभाओं में जाकर अपने आप को लीडर समझ के भाषण देने से बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ रिलेशनशिप में बाहर डिनर या किसी रोमांटिक पल या रोमांटिक जगह पर जाने की प्लानिंग होगी और सफल होगी। स्टूडेंट ऑनलाइन कोचिंग से कुछ ज्यादा लाभ कमाएंगे आज, यानी पढ़ाई अच्छी होगी, सेहत पहले से बेटर है। लकी कलर रेड, नंबर 9 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। पति और पत्नी का संबंध एक सर्वश्रेष्ठ संबंध होता है और होना भी चाहिए। कुछ लोगों की ईगो या कुंडली न मिलने की वजह से मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। ज्यादातर पत्नियां ये चाहती हैं कि उनका सौभाग्य बना रहे, पति पत्नी का संबंध अच्छा रहे। अगर ऐसा है तो उसे और बेहतर करने के लिए हम क्या करें, अगर ऐसा नहीं है तो उसे बेहतर करने के लिए आज हम क्या करें। गुरु प्रदोष का व्रत है 16 तारीख को। इस दिन धन ऐश्वर्य लाभ और पति के साथ सुख सौभाग्य आपका जीवन में बरकरार रहे, इसके लिए आज आपको कच्चा दूध, बिल्व पत्र 11, आक और धतूरा, अखंडित अक्षत यानी चावल जो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, सफेद पुष्प, शहद थोड़ा सा और मिट्टी के जल के पात्र में ठंडा जल भरकर यह सभी शिवलिंग पर हर हर महादेव बोलते हुए चढ़ाते जाएं। और भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना, दाम्पत्य जीवन जो भोलेनाथ और पार्वती का जैसा बना है वैसा आपका बन जाए। यह काम आज आपको जरूर करना चाहिए, स्पेशली महिलाओं को। सुख सौभाग्य सूत्र में बात करते हैं कि स्टडी, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उसमें माँ सरस्वती और गणेश जी की प्रतिमा किस दिशा में रखनी चाहिए। स्टडी कक्ष में वैसे तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं रख पाए हैं तो अपने किसी एल्विरा में या किसी वॉल पर उत्तर और पूर्व के कॉर्नर में माँ सरस्वती और गणेश जी की प्रतिमा या उनका चित्र जरूर होना चाहिए। यह अगर आप करते हैं और रोज उनका स्मरण करके पढ़ाई करने बैठते हैं तो बच्चों की पढ़ाई में बहुत लाभ मिलता है। चार रोगों की समस्याओं में आज पहले हैं। मैंने ये प्रश्न कल भी किया था आपसे कि मैं इन चार लोगों के जो प्रश्नों का जवाब देता हूं तो बाकी हजारों लोग जो है जिनका आज जवाब नहीं आया है वो लोग इसको क्यों देखें, अपना क्यों टाइम वेस्ट करें इसमें। इसके लिए मैंने आपसे गुजारिश की थी, कुछ लोगों के कमेंट आए, मैं 2-3 दिन और ऐसे गुजारिश करूंगा कि आप मुझे ऐसे सलाह दें कि जो चार लोगों के मैं जवाब देता हूं उनका नाम तो मैं अनाउंस कर दूं और जो जवाब है वो मैं उनके कमेंट बॉक्स में डाल दूं ताकि राशिफल भी छोटा हो जाए और आपका टाइम खराब ना हो। पहली है आराधना। अभी हाल में सरकारी नौकरी लगी है, यहाँ तो किसी की लगती नहीं है, जिसके जितने प्रश्न आते हैं उन सबकी कब लगेगी यही प्रश्न है। आप लगी हैं आराधना जी, आप बहुत धन्य हैं। पर अभी मैं स्टेट PCS और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप के लिए तैयारी कर रही हूं। पहली बात तो जो लोग एजुकेशन इस फील्ड में जाते हैं, कितना शानदार आपकी कुंडली में योग है, मालव योग 4th हाउस में, गज के सिरों केंद्र में, चतुर्सार राजयोग यानी चारों घर जो केंद्र के घर है उसमें कोई ना कोई प्लैनेट विराजमान है। परंतु ये पता नहीं केमद्रुम दोष की, कल भी 2 केमद्रुम दोष की कुंडली आई थी, आज भी ये पहली कुंडली ही केमद्रुम दोष की है। आपको थोड़ा सा टफ टाइम गुजारना पड़ेगा आराधना जी, क्योंकि केमद्रुम दोष में मेहनत ज़्यादा, रिजल्ट कम मिलता है। आप कितनी भी अच्छी, आपको वर्ल्ड की सबसे अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाएगी, आप उस नौकरी को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। चाहे आप प्रोफेसर बन जाएं, आप लेक्चर बने, आप प्रिंसिपल बने, आप खुद की स्कूल खोलें, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य केतु का ग्रहण दोष और 10th हाउस में राहु और करियर हाउस में नीच के गुरु विराजमान हैं। आगे से आगे आप तरक्की करती जाएंगी लेकिन आप जॉब पूरी नहीं कर पाएंगी। अब इसके बारे में आज बात करना बेकार है, अक्टूबर 2027 के बाद हम बात करेंगे इसके बारे में जब आपको सूर्य की दशा लगेगी। अभी फिलहाल तो आप ये यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप के लिए जो तैयारी कर रही हैं उसमें सफल हो जाएंगी। मंगल और बुध का परिवर्तन राजयोग और मालव योग आपको अपनी आपकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ देगा। पर यह केमद्रुम दोष और ग्रहण दोष का इलाज अगर बचपन में आपके पेरेंट्स ने करवा लिया तो बहुत अच्छा है, वरना अब आप पूरा तो खत्म नहीं कर पाएंगे लेकिन काफ़ी तक कम जरूर कर सकते हैं, वो ज़रूर कर लीजिएगा इसकी पूजा। जितेंद्र साहू, 19 अप्रैल 1984 दोपहर को 4:35 और संबलपुर उड़ीसा। मेरे ऊपर कर्ज बहुत चढ़ गया है, कब तक उधर पाएगा? कर्ज मुक्ति के लिए लक्ष्मी प्राप्ति होना जरूरी है, तो लक्ष्मी प्राप्ति का योग खोज लेते हैं आपकी कुंडली में। पहली बात तो आपकी कुंडली में ये चंद्रमा और मंगल का महालक्ष्मी योग है, हंस योग, मालव योग, बुधादित्य योग। कोई भी आपकी कुंडली देखेगा वो कहेगा आपको तो कर्ज देना चाहिए, आपने लिया कैसे,
तो यह कोई भी देखने पर हमारी कुंडलियों को कई बार कहते हैं लोग आपके तो कुंडली बहुत राजी हो गए, फिर हम तकलीफ क्यों भोग रहे हैं। तकलीफ इसलिए है कि आपके लाभ स्थान के लॉर्ड चंद्रमा नीच राशि के, रोग भाव पर जब भी मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो कर्ज बन जाता है। तो यहाँ पर 24 जनवरी 2020 के बाद कुछ हद तक आपको राहत मिलेगी, उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाएगा। लक्ष्मी प्राप्ति भी उसके बाद अच्छी होगी, पर आपको कर्जे की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, सिर्फ इनकम पर अपना कॉन्सेंट्रेशन करिए। दिन भर में आप एनर्जी कर्ज कब चुकेगा, कर्ज बढ़ रहा है, इस पर एनर्जी लगाने से बेटर है कि मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ाऊँ, कहाँ से इनकम बढ़ाऊँ, इसके बारे में सोचने से वो वाली एनर्जी हमारे पास आ जाती है और हमारे काम बन जाते हैं। इसके लिए आप एक तो श्री सूक्त का पाठ करें और हो सके तो श्रीयंत्र घर के मंदिर में रखें और ग्रहण दोष और अंगारक दोष नाशक कवच गले में धारण करें और वहीं कर्ज मुक्ति का अनुमान प्रयोग भी आप करें तो इसमें दोनों ही चीज़ों में आपको लाभ मिल जाएगा। जय श्री। 12 जून 1981 आफ्टर मॉर्निंग 10:40 वर्धा महाराष्ट्र। मेरी शादी होने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है, वैसे भी आपकी 38-39 साल की उम्र हो चुकी है तो ये 38 साल की उम्र तक शादी न हो पाना भी एक बहुत मुश्किल काम होता है और इस उम्र में रिश्ते भी कम आते हैं, सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली करना ही पड़ता है। आपके हॉरोस्कोप में पहले तो किस्मत आपकी भली है कि अभी तक शादी नहीं हुई आपकी, आप भगवान को इसी वक्त धन्यवाद अदा करिए क्योंकि अगर आपकी शादी हो जाती तो आपके शनि और चंद्रमा का विष दोष बना हुआ है सेकेंड हाउस फैमिली हाउस में, वो आपके जीवन में विष घोल देता है, जहर। अच्छे काम करने के बाद ही बुराई दिलवाता है। गर्दन भी किसी के लिए कटवा लें हम तो कहेंगे भाई साहब सीढ़ी बहन जी गर्दन आपने टेढ़ी काटी, कम से कम सीधी तो काटती, अच्छे काम करने के बाद बुराई दिलवाता है। परंतु 10 दिसंबर 2019 यहां से आपको शनि जो सप्तमेश है उसकी दशा शुरू हो रही है तो 2020 में आपकी शादी होना लगभग तय है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप विष दोषनाशक कवच गले में धारण करें और विवाह बाधा निवारक साधना करें और एक कोकोनट प्रयोग होता है उसे भी जरूर कर लें। ये सब आप हमारे जोधपुर कार्यालय से ले सकती हैं जानकारी। गौरव द्विवेदी 12 सितंबर 1845 कानपुर। जॉब नहीं लग पा रही, बहुत परेशान हूं। एक तो महाशय सब शनि के ढैया 7:30 यही इसके इर्द गिर्द ही, या तो मेरी किस्मत में लिखी हुई है या पता नहीं क्या कारण है। आपकी कुंडली में महाशय राहु की दशा चल रही है और राहु में 19 जुलाई 2019 को सूर्य आ जाएंगे। सूर्य जो कि आपकी कुंडली में ग्रहण लगा हुआ है इसलिए जॉब आपको अभी कमज़ोर लगेगी। पहली बात तो जॉब आपको लगेगी नहीं अभी और जन्म स्थान से बहुत दूर जाना चाहिए। आपके लिए महाराष्ट्र और साउथ बहुत अच्छा रहेगा। 24 जनवरी 2020 में जब शनि की ढैया खत्म होगी तब आपका बेटर स्थिति बनेगी, लेकिन मैं ये जॉब के मामले में कुंडली को बहुत कमज़ोर समझता हूँ। आप किसी बिजनेस से जुड़ें, वो भी कोई और कर रहा है, आप उसका साथ दें साल भर तक, उसके बाद खुद का बिजनेस शुरू करने की सोचें। जॉब को लेकर आपकी कुंडली बहुत कमज़ोर है, मज़ा नहीं आ पाएगा, सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट ही हम करते रहेंगे। इसके लिए हो सके तो आप दशरथ करत शनि स्तोत्र का पाठ करें और हनुमान जी को सफ़ेद आंकड़े के पुष्पों की माला हर मंगलवार को चढ़ाएं। ये दो काम आपको तत्काल करिए, ये 1-1.5 महीने में ही आपकी जॉब लग जाएगी। मैं आप सभी को हमारी मासिक पत्रिका ग्रहों का खेल के सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप इसके लिए हमारे जोधपुर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक करिए, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं और हमारी ग्रहों का खेल .co.in वेबसाइट पर जाकर बहुत सारे सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। शानदार आपका दिन गुजरे। गुरु प्रदोष व्रत पर आपके गुरु का आपको आशीर्वाद मिले और सबसे बड़े गुरु अगर दुनिया में कोई है तो हमारे माँ और पिताजी, उसके बाद ही बाकी सारे गुरु होते हैं। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और अपनी जुबान को यही विराम देने के लिए आप सभी से आज्ञा चाहता हूँ। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका समाधान ना तो हमारे पास होता है ना हमारे आसपास रहने वाले लोगों के पास कोई समाधान होता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि ज्योतिष में किसी सही सलाह की वजह से आपके करंट और फ्यूचर की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और पास्ट से सबक सीखा जा सकता है। इसी कड़ी में रोजाना मैं बहुत सारे कार्यक्रम देता हूं। आप लाखों दर्शक और सब्सक्राइबर्स हमारे इस ग्रहों का खेल कार्यक्रम के माध्यम से कई समय से जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में मैं कई बार डिफरेंट सिटी और कंट्री में ट्रैवल करता हूं और वहां के जो शिष्य होते हैं, वहां के जो दर्शक होते हैं, वो मिलना चाहते हैं। इसके लिए मैं अपना स्केड्यूल दे रहा हूं। अगर आप मई महीने में मुझसे पर्सनली मिलना चाहते तो इसी कड़ी में 18-19 मई को मैं मुंबई में रहूंगा, 17 और 18 मई को राजकोट में रहूंगा,
वहीं 20 मई को अहमदाबाद और 24 मई को दिल्ली में रहूंगा, और वहीं 24 मई को ही शाम को काठमांडू में मिलूंगा और 25 तारीख को दिन भर मैं काठमांडू में मिलूंगा, और 26 मई को गुड़गांव गुरुग्राम जिसके नाम से हम जानते हैं वहां पर मैं मिलूंगा। अगर आप इन शहरों में या काठमांडू में रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी मेरे ग्रहों का खेल कार्यक्रम के माध्यम से पिछले कुछ समय से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग तो इनफैक्ट कई सालों से जुड़े हुए हैं। मैं आ रहा हूं यूके और यूएस आप सभी से मिलने के लिए। इसमें अगर आप मुझसे पर्सनली मिलें तो मैं 1 और 2 जून को न्यूजर्सी में रहूंगा, 3 जून को मैं लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में रहूंगा, 4 और 5 जून को मैं बॉस्टन में रहूंगा, 6 जून को मैरीलैंड में रहूंगा गैदसबर्ग में, 7 जून को एटलांटा में रहूंगा और 8 जून को टेम्पा फ्लोरिडा में, और फिर मैं 9 और 10 जून को ऑरलैंडो फ्लोरिडा में रहूंगा, फिर 11 और 12 जून को लास वेगास में रहूंगा, 13 जून को मैं लॉस एंजलिस में रहूंगा। इसके लिए आपको मैं एक नंबर दे रहा हूं जिस नंबर पर आप संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। +1 तो यूएस का कोड हुआ 3476337511। उसके बाद मेरा दौरा इंग्लैंड की तरफ रहेगा जिसमें 14, 15, 19 और 20 जून को मैं लंदन में रहूंगा, 16 जून को लेस्टर बर्मिंगम में रहूंगा, 17 और 18 जून को मैं लेक डिस्ट्रिक्ट में रहूंगा। ये यूके में जगह है, अगर आप वहां पर मिलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट की एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जिसका नंबर आप नोट करें 0786509426। इंग्लैंड में ज़्यादातर लोग 0 को ओ बोलते हैं, इसीलिए मैंने ओ शब्द का इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैं भारत लौट आकर 28 और 29 जून को दिल्ली में रहूंगा और 30 जून को मैं मुंबई में रहूंगा। अगर आप सभी हमारे इस अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया को वेबसाइट पर जाके भी देख सकते हैं, grahonkakhel.co.in पर जाकर स्केड्यूल आता है, वहां जाकर आप अपना अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। मैं आप सभी से शीघ्र मिलूंगा, मुझे इसका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्यार भरा नमस्कार। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, जबकि हमारे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी कहते हैं भाग्य लेकर आए हैं और कर्म लेकर जाएंगे। जी हाँ, यह बात एकदम सही है। यदि आप चाहते हैं अपने कर्मों द्वारा भाग्य में बदलाव और जानना चाहते हैं अपने जीवन का भविष्य, साथ ही अपने जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या जैसे बच्चों की एजुकेशन, उनके करियर और विवाह, आपका जॉब या बिजनेस, ट्रैवलिंग, फैमिली लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। गुरुदेव न केवल उन सवालों का जवाब देंगे बल्कि आपकी समस्याओं को दूर करने के उपाय और बेहतर जीवन जीने के कुछ सुझाव भी देंगे। इसके लिए आप गुरुदेव से पर्सनली मिल सकते हैं, टेलीफोन अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी सीधे सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहे तो अपनी या परिवार के सदस्यों की संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। ये जन्म कुंडली विश्लेषण आप टेलीविजन के माध्यम से या फिर कंप्लीट फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.grahonkakhel.co.in पर एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज पर क्लिक करना होगा या सीधे हमारे इंडिया में आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के इस नंबर पर जो है 0091982902665 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एड्रेस सुरेश श्रीमाली, हाई कोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, इंडिया। कॉन्टैक्ट नंबर है 0091982902665। ईमेल एड्रेस है info@grahonkakhel.co.in।